नमस्कार दोस्तों, सनम स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीज गणित के गुना में बहुत सारे बच्चों को परेशानी होती है, इसी को देखते हुए चलिए इसका मैंने सोल्यूशन निकाला है ताकि बच्चे कैसे आसानी से समझ पाए। चलिए तो देखिए, तो बोर्ड पर आपको क्वेश्चन देते हैं, एक्स प्लस पाँच और एक्स प्लस सात, इसको यदि गुना करना है, सोल्यूशन यहाँ लिख लेते हैं, गुना करना है तो एक्स यहाँ क्या है, कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और ए पटी जितना दिखाई दे रहा है ना, सबको सेम देके लिख देंगे, एम कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए, प्लस पाँच यहाँ बचल है तो प्लस पाँच यहाँ लिख लेंगे कॉमन, और फिर जितना दिखाई दे रहा है सेम देके लिख देंगे, कोई दिक्कत है? एक से यहाँ कॉमन ले लेंगे, बाकी सेम देके लिख देंगे, प्लस पाँच बचल है यहाँ कॉमन लेंगे, बाकी सेम देके लिख देंगे। अब एक्स में एक से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स में एक से तो एक्स स्क्वायर, तोहरों के जय हो बोले थे ना, और तरह पप्पू के जय हो, एक्स में एक से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और दूर वाला से अब तो क्या हो जाएगा, सात एक्स। फिर उसी तरह इसमें पहले बगल वाला से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाँच एक्स, और फिर पाँच में सात से तो क्या हो जाएगा, पैंतीस, कोई दिक्कत है? फिर से देखते हैं, एक्स में एक से तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और एक्स में सात से तो सात एक्स, फिर पाँच में एक से तो पाँच एक्स, और पाँच में सात से तो पैंतीस। अब यहाँ एक्स स्क्वायर से हम देकर लिख देंगे, और दोनों जोर में है, सात पाँच बारह एक्स प्लस पैंतीस, इसको लिख लेंगे, ये इसका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको लिखिए, तो इसको लिखिए, ओका नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, उसको बनाकर दिखाना है। लिख लिए, चलिए आगे देखिए। आगे देखिए, तो पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, दूसरा तरीका देखिए, यदि समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो और अच्छी बात है। देखिए समझिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो दिखाई दे रहा है ये एक्स दिखाई दे रहा है ना, ये एक्स से दोनों में गुना कर दीजिए, ये एक्स से दोनों में गुना कर देंगे तो एक्स वाला से फर्स्ट में गुना करेंगे तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर, और एक्स प्लस से सेकेंड वाले में गुना करेंगे तो क्या जाएगा, सात एक्स, कोई दिक्कत है क्या? ई एक्स से ई दोनों में गुना करेंगे तो ई वाला एक्स से अगर पहला वाला गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और ई एक्स से सेकेंड में गुना करेंगे तो सात एक्स। अब प्लस दे देंगे, अब पाँच से फिर अब दोनों में गुना कर देंगे, अब ई पाँच से फिर दोनों में गुना कर देंगे, अब तो पाँच में एक से तो पाँच एक्स, और पाँच में फिर सात से तो पैंतीस। अब एक्स स्क्वायर सेम देकर लिख लेंगे, दोनों जोर में तो जोर देंगे, घटा में रहेगा तो घटा देंगे, बारह एक्स प्लस पैंतीस, ये इसका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। मैंने क्या किया है इसमें, पहले x से ये दोनों में गुना कर दिया है, तो x वाला में अगर x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर जाएगा, और x में अगर सात से गुना करेंगे तो सात एक्स जाएगा। अब पाँच में मैंने दोनों से गुना कर दिया है, पाँच में अगर x से गुना करेंगे तो पाँच एक्स, और पाँच में सात से गुना करेंगे तो पैंतीस, एक्स स्क्वायर सात पाँच बारह एक्स प्लस पैंतीस, इसको लिख लीजिए, लिखिए तो इसको, समझने में कोई दिक्कत है क्या? चलिए इसको लिख लिए हैं, देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ, एक नेक्स्ट क्वेश्चन समझा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, अगर इसमें माइनस वाला भी दे देगा तो घबराना नहीं है, एक मैं क्वेश्चन देकर बताता हूँ। देखिए, अगर दे दिया एक्स माइनस सात और एक्स माइनस मान लेते हैं अगर पंद्रह है दे दिया हुआ है, कोई घबराने जरूरत नहीं है, पहले मैं कॉमन लेकर बताता हूँ, काफ़ी शॉर्ट का तरीका बताऊँगा, कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ टेपटीला सेम देंगे, कोई दिक्कत है क्या? माइनस सात यहाँ दिखाई दे रहा है, माइनस सात है ना, अब माइनस सात यहाँ कॉमन ले लेंगे,
ये माइनस सात, और ये पर फिर से हम देखे लिख देंगे एक्स माइनस पंद्रह। इसको कोई दिक्कत है क्या? तो बोलिए कोई दिक्कत है। पहले एक्स कॉमन ले लिए हैं, ए प्लस सेम देख के उतार दिए हैं, माइनस सात कॉमन ले लिए हैं, ए प्लस सेम देख के उतार दिए हैं। अब पास पास गुना पास पास है ना, ये जिसको बोलते तोरों को जो हो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब दूर दूर गुना अब है ना, ये क्या जाएगा माइनस पंद्रह एक्स होगा ना, एक्स में एक्स तो एक्स स्क्वायर और एक्स में पंद्रह से तो पंद्रह एक्स, ये माइनस सात माइनस हम चिपका दिए हैं। अब देखेंगे फिर इसे पास पास गुना, तो माइनस सात में एक से गुना होगा तो क्या जाएगा माइनस सात एक्स, और माइनस सात में पंद्रह से गुना होगा, माइनस सात में फिर पंद्रह से दूर दूर गुना, पहले पास में गुना फिर दूर में गुना, तो माइनस सात में माइनस पंद्रह से गुना होगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और पंद्रह सात एक सौ पाँच। अब एक स्क्वायर से हम देखे लिख देंगे, ये दोनों कथी में है माइनस में है, दोनों माइनस में तो क्या करेंगे जोड़ेंगे, लेकिन आगे माइनस लगा देंगे, जोड़िए सात और पाँच बारह बाईस आ जाएगा ना, बाईस एक्स और प्लस एक सौ पाँच, यही इसका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। इसको लिखिए, इसको लिखिए, और नहीं समझ में आए तो पूछिए। अब इसके बाद हम बताएंगे शॉर्टकट जिस तरह गुना करते हैं, पहले इसको लिख लिए हैं। चलिए देखिए आगे समझिए, इसमें ये देखिए यहाँ x दिखाई दे रहा है, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, x यहाँ कॉमन ले लिए ठीक है, x है ना ये वाला कॉमन ले लिया, ए पट्टी जितना दिखाई दे रहा है ये मेरे छोड़ के सब देख उतार दिए यहाँ से यहाँ तक, कोई दिक्कत है? एक से यहाँ कॉमन ले लिए, ए पटेल यहाँ से देख सेम देख उतार दिए हैं। अब हमें माइनस आते ना बच्चा है, पहले हम एक्स कॉमन ले लिए, ये वाला एक से यहाँ कॉमन ले लिए है यहाँ, ए पटेल सेम देख के माइनस सात में बचल, माइनस सात ना बचल है, फिर यहाँ कॉमन ले लिया, फिर एट वाला सेम देख के, ई वाला जो दोनों में है एहू में और एहू में है, और ए में क्या आधा यहाँ आधा बचल यहाँ, कोई दिक्कत है? ए में क्या आधा यहाँ मतलब फर्स्ट वाला खाली यहाँ लिख लिया है, सेम देख उतार दिए यहाँ, माइनस सात बचल लिख लिए यहाँ, फिर सेम देख उतार दिए यहाँ, ई वाला एहू में है और एहू में दोनों में है। अब पास पास गुना, एक्स में एक से तो एक्स स्क्वायर, एक्स में माइनस पंद्रह से तो माइनस पंद्रह एक्स, माइनस सात में एक से तो माइनस सात एक्स, माइनस सात में माइनस पंद्रह से गुना करेंगे तो एक सौ पाँच, पंद्रह से तो एक सौ पाँच, और ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। सेम देख के यदि दोनों माइनस रहते तो दोनों को जोड़ देते हैं, लेकिन आगे माइनस लगा देते हैं, एक से तो एक चिपका दिए हैं और एक सौ पाँच लिख दिए हैं, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए इसका शॉर्टकट तरीका भी बताते हैं, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए जिस तरह मैंने सेकेंड रूल बताया, सेकेंड रूल समझिए, बताए हैं पहले एक्स में है ना, ये टोटल में गुना कर दो, एक्स से क्या करें टोटल में गुना कर दो, एक्स से टोटल में गुना करना है ठीक है। देखिए समझिए, एक्स से अगर टोटल में गुना करेंगे तो एक्स वाला से पहले ए में गुना करेंगे और फिर एक्स वाला से ए में गुना करेंगे, मतलब एक्स से दोनों में गुना करेंगे, कोई दिक्कत है क्या? ये वाला एक्स से दोनों में गुना करना है, ये वाला एक्स से फर्स्ट में गुना कर लिखे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत है क्या? ये एक्स से फर्स्ट में गुना किए और ये वाला एक्स से फिर सेकंड में गुना करना है तो माइनस है पंद्रह एक्स, माइनस है पंद्रह एक्स, कोई दिक्कत है? ये एक्स से पहले दोनों में गुना कर दो, माने फर्स्ट प्लस ये दोनों में गुना कर देना है, तो एक्स में अगर फर्स्ट है तो एक्स स्क्वायर और एक्स में माइनस पंद्रह से तो माइनस पंद्रह एक्स। अब एक्स का काम खत्म हो गया, अब कितना काम बचा है माइनस सात का, माइनस सात का काम बचा है, फिर माइनस सात से दोनों में गुना कर दो, माइनस सात में एक से तो क्या जाएगा माइनस सात एक्स आ जाएगा, और माइनस सात फिर माइनस पंद्रह से गुना करो तो प्लस हो जाएगा पंद्रह सात एक सौ पाँच, कोई दिक्कत है? ये एक्स में टोटल से गुना कर दो, एक्स से मतलब दोनों से गुना कर दो, एक्स में मतलब फर्स्ट गुना करें तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स में अगर फर्स्ट से गुना करेंगे तो क्या एक्स स्क्वायर, और एक्स में माइनस पंद्रह से माइनस पंद्रह एक्स। अब इसका काम खत्म है, अब इसका काम बचल है, अब ये वाला माइनस सात से दोनों में गुना कर दो, माइनस सात में एक से तो माइनस सात एक्स, माइनस सात में माइनस पंद्रह से एक सौ पाँच, पंद्रह से एक सौ पाँच, माइनस माइनस प्लस, ये एक्स स्क्वायर सेम देकर लिख देंगे, दोनों में माइनस है तो दोनों को जोड़ दो, पंद्रह सात बाईस, एक्स लगा दो और एक सौ पाँच, ये इसका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। चलिए इसको लिख लीजिए, तो इसको लिख लीजिए, यदि सब में माइनस रहेगा तो सबको जोड़ देंगे लेकिन आगे माइनस लगा देंगे।
एक और क्वेश्चन बताएंगे, लिखिए जल्दी से इसको, लिख लिए हैं। चलिए देखिए, आप ऐसा क्वेश्चन देंगे, एक प्लस रहेगा दूसरा माइनस रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है यहाँ, x माइनस यदि हम 20 से लिख दिए ठीक है, और x प्लस अगर मान लेते हैं हम यहाँ 25 से लिख दिए हैं, या कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ 15 लिख दिए हैं, यहाँ 15 लिख लिए हैं। अब देखिए उसी तरह सेम कॉमन लेना है, x यहाँ क्या करेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे, तो एक पर्टिकुलर सेम देकर लिख देंगे x प्लस 15। यहाँ कोई दिक्कत है तो पूछिए, इसको कोई दिक्कत है क्या? आगे देखिए, एक्स कॉमन ले लिए, एक पर्टिकुलर सेम देकर लिख दिए हैं, अब माइनस 20 बचा है, इसको कॉमन लो माइनस 20 को, फिर एक पर्टिकुलर सेम देकर लिख दो, कोई दिक्कत है? एक्स कॉमन ले लिए मतलब ये मान लीजिए आधा कॉमन ले लिए, सेम देख के लिख दिए, माइनस 20 बचा इससे कॉमन लिए, सेम देख के लिख दी मैंने, अब एक्स में एक्स है तो पास पास गुना क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, अब एक्स में 15 से अब दूर दूर गुना तो 15x, अब माइनस 20 में एक्स है तो माइनस 20x, और माइनस बी में माइनस 20 में 15 से तो 15x से कितना हो जाएगा, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 15 दूना 30 300 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर सेम देके लिख देंगे, ये दोनों को जोड़ हटाव करेंगे, अब देखेंगे यहाँ 15 माइनस 20 से क्या माइनस 5 यही ना आएगा, माइनस 5x और माइनस 300 ये इसका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। 15 में से 20 घटा रहे हैं, 9 ही घट रहा है, 20 में से 15 घटा दिए लेकिन आगे माइनस लगा दिए। चलिए इसको लिखिए, एक दौर में समझाता हूँ, एक से यहाँ कॉमन ले लिए हैं, ए पटेला सेम देख के लिए मैंने लिख दिया है, माइनस बी से यहाँ कॉमन लिए हैं, सेम देख के मैंने लिख दिया है, अब देखिए एक्स में एक से था एक्स स्क्वायर, एक्स में 15 से था 15x, माइनस 20 में एक से था माइनस 20x, और माइनस 20 से 15 से तो 300 एक्स स्क्वायर, ये दोनों को जोड़ हटाओ के लिख दिए हैं और इसको सेम देख के उतार दिए, इसको लिखिए, इसको लिखिए तो ठीक। लिख लिए, क्विक फास्ट, इफ यू स्टाइल टाइम द टाइम विल स्टाइल यू, लिख लिए। चलिए देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद जो बच्चे YouTube पर देख रहे हैं उनको बनाने के लिए मैं दे देता हूँ, वो बच्चे वीडियो पूरा देखेंगे और जो मैं प्रश्न दे रहा हूँ उसको बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। होमवर्क लिखिए, हाँ लिखिए तो इसको बनाकर कमेंट करना है जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं। एक्स प्लस 23 और एक्स प्लस 20 पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दो है वाई प्लस 70 और वाई माइनस 80 दूसरा हुआ, तीसरा क्वेश्चन है एक्स माइनस 90 और x प्लस 90, चौथा क्वेश्चन है x माइनस 70 और x माइनस 80 और पांचवा क्वेश्चन है x प्लस 30 और x माइनस 1, इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। दोस्तों यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद और जय भारत।